हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। विभाजन विपक्ष के डीएनए में, इनकी सोच घटिया और इरादे खतरनाक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में कहा, पहले देश को बांटा, अब समाज को बांट रहे हैं। थाना दिवस पर मंडलायुक्त और डीआईजी ने सुनी कुशीनगर जनपद के हाटा एवं अहरौली बाजार थाने पर फरियादियों की फरियाद। शिकायत के निस्तारण में शिथिलता बरतने पर लेखपाल रविंद्र शाही का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के दिए निर्देश। सजनवा थाने की पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया भंडाफोड़, दो अभियुक्त गिरफ्तार। सूद के रुपये के लेन देन में अभियुक्तों ने दिया था हत्या की घटना को अंजाम, एसपी नॉर्थ ने किया सनसनीखेज खुलासा। थाना संपूर्ण समाधान दिवस पर एसएसपी और प्रभारी डीएम ने सुनी गुलरिया थाना पर फरियादियों की फरियाद, निस्तारण के दिए निर्देश। पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवे लखनऊ व पुलिस अधीक्षक रेलवे पुष्पांजलि देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ सैनिक सम्मेलन। जीआरपी के अधिकारियों कर्मचारियों की सुनी गई समस्याएं, दिए गए निस्तारण के निर्देश। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एनएक्सी भवन के सभागार में आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम। लोगों को किया गया मानसिक रोग के प्रति जागरूक, कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। कैंपियरगंज थाना की पुलिस टीम ने दो शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से एक अवैध देसी तमंचा और जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। सीओ कैंपियरगंज एएसपी राहुल भाटी ने दी जानकारी। राजघाट और तिवारीपुर थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी गई समस्याएं, संबंधित पुलिस और राजस्व कर्मचारियों को निस्तारण के दिए गए निर्देश। गोरखपुर में शनिवार को मिले 72 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 17,061। अब तक 278 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। एक्टिव मरीज हुए 1580। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के शनिवार को घोषित परिणाम में दिलीप कुमार यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अजयानंद सिंह मुन्ना कोषाध्यक्ष, रविंद्र सिंह संयुक्त मंत्री प्रशासन, आशीष कुमार पांडे संयुक्त मंत्री पुस्तकालय और विजयन तिवारी संयुक्त मंत्री प्रकाशन पद पर हुए निर्वाचित। शेष परिणाम रविवार को होंगे घोषित। और रामकोला में बनेगा विश्व की सबसे बड़ी भगवान चित्रगुप्त की 81 फीट की प्रतिमा। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय संयोजक ने दी जानकारी।